देश में बेहतर शिक्षा महंगी होती जा रही है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। यहाँ गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसके लिए राज्य सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का संचालन कर रही है, जहां सब्जी बेचने वाले के बच्चे से लेकर एक अफसर के बच्चे तक सब एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं और सबको सुविधा और समान अवसर भी प्राप्त है। गरीब बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाई का अवसर मिले, इसके लिए 2020 में 3 स्कूल खोले गए थे और 2021 में स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 121 कर दी गई। अब इस वर्ष 50 नए स्कूल खोले गए हैं, जहां पहली से 12वीं तक बच्चे निशुल्क इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार इस साल 32 उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल भी खोल रही है। इस साल एडमिशन शुरू होते ही एडमिशन के लिए भगदड़ मच गई। 40-40 सीट के लिए हजारों आवेदन आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कक्षा की बच्चों की संख्या 50 करने की घोषणा कर दी है। इससे पिछले साल की तुलना में ज्यादा बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट आर टेकिंग सीरियसली देयर लाइफ नाउ एंड दे आर थिंकिंग फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर्स एज टीचर्स आर गिविंग गुड इंस्ट्रक्शंस एंड गुड मोटिवेशंस टू देम फॉर द फ्यूचर्स। 50% हम BPL के बच्चों को ही एडमिशन की यहाँ प्राथमिकता दी जाती है, चाहे अच्छे सरकारी कर्मचारियों का भी रुझान जिस तरह से हो रहा है यहाँ पर एडमिशन के लिए, ये इस स्कूल की उपलब्धि में मानता हूँ। यहाँ पर हम खेलकूद की भी बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना सत्र कारण खेलकूद गतिविधियाँ उतनी अच्छी तरह चालू नहीं हो पाई थी। यहाँ पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे पहले जो भी प्राइवेट स्कूल थे उनकी जो फीस थी बहुत ज़्यादा थी और मेरे परिवार वाले उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे इस स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अब हर गांव में इसी तरह से सरकारी स्कूल खोलने की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री ने भी दर्जनों जगह अगले सत्र से स्कूल खोलने की घोषणा की है। इससे अगले साल स्कूलों की संख्या और बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं ग्रामीणों की मांग पर घर से लंबी दूरी तय करने वाले बच्चों के लिए स्कूल बस और स्कूल में हॉस्टल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है।